दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और मैं रहता हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जमरिया मल्ला में, जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। और आज मैं आया हूँ अपने एक छोटे से खेत में, जिसमें हमने ट्रेडिशनल खेती करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है कॉज ऑफ जंगली जानवरों के, खासकर कि बंदरों के। तो मैंने सोचा कि खेत को खाली रखने से अच्छा है कि क्यों ना इस पर एक बगीचा बना दिया जाए और कोशिश की जाए कि बंदरों को जो उनका खाना है वो इन्हीं जगहों से मिल सके। आई नो इस एक खेत से उनका जुगाड़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके अलावा भी मैंने काफ़ी और जगह इसी तरह से फलों के पेड़ लगाए हुए हैं। और इसके पीछे मेरी यही सोच है, जैसे मैंने बताया कि जितने ज़्यादा हम फ्रूट ट्रीज़ ग्रो करेंगे अपने दूर दराज के खेतों में, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जितने जानवर अभी हमारे घरों के पास आके भी हमारी जो फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं उसका परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस छोटे से खेत के टूर पे और आपको दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कौन कौन से जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो प्लांट कर रखे हैं। ये सबसे पहला आपको दिखाता हूँ, अगर आप फलों की नॉलेज या फ्रूट ट्रीज़ या पेड़ों की नॉलेज रखते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा, ये है अमरूद। और इसको लगे हुए टाइम हो चुका है समवेयर अराउंड, मैं कहूँ तो 10 से 12 महीने, पूरा एक साल ही कह लीजिए। मैंने इस पर भी दोबारा ये जो खाद है वो डाली है, जो कि बेसिकली काउ डंग अवेलेबल है फुल ऑन यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये आपका एक आम का पौधा है और इसके साथ में मैंने ये दोनों साइड उसके अंगूर की सूखी टहनियाँ, इनको मैंने अभी यहाँ पे प्लांट किया है। और काफ़ी हद तक ये ऐसा होता है कि ये अपने आप ही ग्रो कर जाती हैं। इसके बाद को ले चलता हूँ मैं, ये एक और आम का पौधा है और इस साइड मैंने ये स्ट्रॉबेरीज लगाई हुई हैं। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा ये आपका सिट्रस का पौधा है, अभी बहुत छोटा है। और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ये आपका पीच, एक और मैंगो ट्री, अनदर वन, एक और पीच। और ये सिमिलर पौधे या सिमिलर पेड़ लगाने का मेरा ये कि यहाँ पर मोस्टली आपके अमरूद, आम, माल्टा, आड़ू ये आपके रीजनल हैं, यहाँ पे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये एक और अमरूद का है। एक और पीच और अखरोट भी गाइज यहाँ पे बहुत अच्छी उसमें हो जाते हैं, लेकिन फिर वही वाला हिसाब आ जाता है कि एक बार उनको बंदरों ने देख लिया तो फिर वो आपके किसी फ्रूट को, किसी भी अखरोट को छोड़ने वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंगूर लगा रखा था तो अभी अंगूर का सीज़न है ख़त्म, तो ये अभी सूख गई है बेल इसकी, नेक्स्ट ईयर ये फिर से हरी होके बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और फाइनली यहाँ पे ये है आपका
एक और आम का पेड़ है। अब ये सारे मैंने गुठलियों से पौधे तैयार करके यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, इनको यहाँ पे लगा दिया है, प्लांट कर दिया है। एंड आई होप कि कपल ऑफ इयर्स में ये हमें फल देने लगेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको अपने अगले खेत और खेतों में भी ले चलूँगा जहाँ जहाँ मैंने ये वृक्षारोपण करा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता हो गाइस मेरा काम, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी अगली कोशिश इस गांव में यही है कि यहाँ के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे न कैसे करके इस हद तक बेहतर किया जाए कि वो यहाँ पर आराम की ज़िंदगी गुजार सकें और उन्हें भी काम वाम ढूंढने के लिए कहीं और शहरों में जाके ठोकरें ना खानी पड़े। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइस, एंड प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड पीस आउट, स्टे सेफ।